हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट देवाशीष गिरी। आपके अपने चैनल डीजे ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम नया पपी लाते हैं तो उनके साथ बहुत सारी परेशानियां भी हम घर लेके आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है इनका, वो इनका पपी बाइट का होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मेरी फीमेल है और ये मुझे भी बहुत बाइट कर रही है। तो इसी तरह ये फ्रेंडली बाइट होता है। इनका मकसद ये नहीं होता कि आपको हार्म करें या आपको चोट पहुंचे, नहीं, इनका फ्रेंडली बाइट होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब इनके दांत आते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस बनता है इनके मुंह में। वो जब किसी भी चीज को काटते हैं तो उनको रिलैक्स फील होता है और वो चाहते हैं कि काटे। तो इसके लिए दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दो ऐसे तरीके जिससे आप इस पपी बाइट को ठीक कर सकते हैं या पपी बाइट का सलूशन कह सकते हैं, ठीक है। एक तो जो पहला है वो है, आप कोई पेट शॉप पे जाइए, वहां पर से आप एक टॉय ले लीजिए, जो डॉग टॉय होता है वो ले लीजिए। और आप जब ये बाइट कर ले तो आप वो टॉय इनको दे दीजिए, ठीक है। और जब वो टॉय पे ये बाइट करे तो उस टाइम आप इनको अप्रिशिएट करिए, कि गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप कुछ ट्रीट दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला रीजन। तो इसमें क्या हुआ कि इनको समझ में आ जाएगा कि मुझे जब बाइट करनी तो उसी पे बाइट करनी है और नहीं तो मुझे नहीं करनी। तो ये तो फर्स्ट हो गया दोस्तों। लेकिन दूसरा और एक अच्छा रीजन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत अच्छा रीजन है ये दोस्तों। मैं वो रीजन बताने से पहले इतना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, बहुत ऐसे व्यूअर हैं मेरे जो मेरी वीडियो को देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट नहीं करते। अगर आप सच में एक पेट लवर हैं और सच में अगर आप पेट से प्यार करते हैं और केयर करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके पेट को अपने पेट की तरह ही ट्रीट करूंगा और मैं बताऊंगा कि क्या परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों को कैसे सही किया जा सकता है दोस्तों। तो मैं सेकंड बताने जा रहा हूं कि इसको कैसे ठीक करें। पहला तो हो गया दोस्तों टॉय ब्रीड से, ठीक है, और दूसरा हो गया एलोवेरा से। हाँ दोस्तों, एलोवेरा से देखिए कैसे होता है। मैं ये एलोवेरा का एक छोटा सा पीस काट के रखा हूँ, ठीक है, और ये मेरी फीमेल है। जैसे कि देखिए, सिंपल देखिए, ये मुझे अभी काट रही है, बहुत कस के काट रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना थोड़ा सा कट करूंगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको कट कर लिया। ये कट हो जाने के बाद इसमें जो गोंद रहता है ना, इसको मैं अपने जहां जहां मेरी फीमेल मेरे को काटती है, मैं ये करूंगा, मैं अपने हाथ से इसे ले लूंगा, ठीक है। तो ये ले लिया। अब देखियो दोस्तों, ये मेरे हाथ पे ये लग गया है और अब इसको कुछ नहीं देना है। अब इसको आप दे दीजिए काटने के लिए। ये अगर इसको चाट भी लेती है तो कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत एक ये प्योर है और ये चीज के बाद ये फिर आपको नहीं काटेगी। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये मुझे अब नहीं काटना चाह रही है, ये नहीं काट रही है। तो आप ये कर सकते हैं, जहां जहां पे एलोवेरा लगा हुआ है दोस्तों, ये वहां पे नहीं काट रही है और जहां पे नहीं लगा हुआ वहां पे काट रही है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाने चाहता हूँ। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से लगा रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथ पे सभी जगह लगा रहा हूँ। आप गौर से देखिए, ये बहुत चिपचिपा है यार, देखिए दोस्तों। मैंने इसे अपने पूरे हाथ में लगा लिया हूँ, ठीक है, ये मेरे हाथ में हर जगह लग गया है। अब मैं उसे दूंगा खाने के लिए, सही में इसे ट्रीट दूंगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये अब नहीं काटेगी। आजा बेबी आजा, ये रहा हाथ और ये देखिए, ये अब नहीं काटने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ चाटेगी, काटेगी नहीं, ठीक है। और अगर ये खा भी लेती है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों ये तो दूसरा हो गया। और तीसरा एक उपाय बताता हूँ, अगर कोई अगर किसी का डॉग एलोवेरा भी चाट ले रहा या उसके लगाने पे भी उसका असर नहीं होता है, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो पपी बाइट होता है दोस्तों, ये 3 महीने से लेकर 7 महीने तक इसका टर्म रहता है। 7 महीने के बाद पपी कुछ बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद वो बाइट नहीं करता है। तो आप तीसरा जो यूज कर सकते हैं, फास्ट रिलीफ नाम सुने होंगे आपने, तो बहुत लोगों को विक्स वेपर या फास्ट रिलीफ करके जो आता है, आप ये अपने हाथ पे लगाइए और उनको जो वो बाइट करते हैं तो वो उस टाइम दीजिए। तो होगा क्या कि जैसे ही वो अपने मुंह में इसको लेंगे तो उनको एक तीखापन या सनसनाहट कहते हैं वैसा उनको लगेगा, जिसके बाद वो पक्का नहीं करेंगे। अगर वो चाटते हैं दोस्तों वो वाला भी, तो फिर आप एक काम करेगा कि आप वो मत दीजिएगा, आप उनको एलोवेरा दीजिएगा, क्योंकि एलोवेरा का टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगेगा और एलोवेरा हाथ में लगाने पे वो
नहीं काटेंगे दोस्तों। और दोस्तों कह रहा हूँ कि इतना कह रहा हूँ कि आप अपना प्यार मुझे दें, मेरा वीडियो रहता है दोस्तों लेकिन आप लोग बहुत कम देखते हैं, एक दो मिनट देखने के बाद मेरे वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और भी डॉग से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अपने छोटे भाई को अपना प्यार दे दोस्तों, मिलते हैं।